बोल रही थी कि तो हम हर्ट होते रहे उससे, मतलब उसकी जो भी उसका बिहेवियर है तो हम उसको माइंड ना करेंगे, ठीक है तो ऐसा ही है। मैंने ये कब कहा? मतलब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि तो मतलब उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो प्रॉब्लम अगर उसकी वजह से मुझे हो रही है तो वो प्रॉब्लम है या मेरे जो अपने थॉट्स हैं उसके बारे में वो प्रॉब्लम है? आपको सिंपल मैंने एग्जांपल दिया है, इस दुनिया में बिल्ली चूहे का एग्जांपल दिया है, इसके आगे आप बहुत सारे कीड़े मकोड़े लगा सकते हो, ठीक है। इंसान भी बहुत सारे कीड़े मकोड़ों के जैसे होते हैं, हाँ, आपको डंक मारते रहते हैं, समझ गए ना, यही है ना प्रॉब्लम। आप कह रहे हो कि मैं मधुमक्खी के छत्ते के पास में जाती हूँ और मधुमक्खियां मुझे काटती है, ऐसा क्यों होता है? पास जाना बंद कर दो। अब मैं इशारे में बात कर रहा हूँ लेकिन समझ लेना इन इशारों को, समझ गए ना। आपके घर में कुछ मधुमक्खी के छत्ते होंगे, उनके आसपास जाओगे तो डंक लगेगी। मेरी प्रॉब्लम है मेरे माँ बाप, मेरी प्रॉब्लम है सपोर्ट, मेरी प्रॉब्लम है ये, वो वैसे ही रहने वाला है। अब बोलो आप क्या चाहते हो मुझसे, क्या जवाब चाहते हो? कि मेरे माँ बाप बदल जाएं? अरे मेरे नहीं बदले, आपके कैसे बदल जाएंगे? चलो उनको छोड़ो, आप खुद नहीं बदले, आप किसी और से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो बदल जाएगा? आपका खुद का जो बेसिक नेचर है क्या वो बदल गया है पूरी तरीके से? नहीं बदला है तो दूसरों से क्या एक्सपेक्ट करके बैठे हो आप? सिर्फ वो आपको उंगली नहीं करते, आप भी उनको करते हो, जब वो करते हैं तो चुप हो जाओ, नहीं लेकिन आपको भी भाई ऐसे कैसे चुप हो जाए हम, समझ गए? तो वो भी कहते हैं हम भी ऐसे कैसे चुप हो जाए, हम भी अपनी जगह पर लगे हुए हैं, आप भी अपनी जगह पर। तो मैं अभी वहां पर जा ही नहीं रहा, वो एक एंडलेस डिबेट है, एंडलेस कंफ्यूजन है, एंडलेस कॉन्फ्लिक्ट है, वो कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। एक चीज है जहां पर आपका 100% कंट्रोल है, वहां पर आपका 0% कंट्रोल है। 100% कहां है? अपने खुद की ब्रेन के ऊपर। बस यहां पर हमारा फोकस होना चाहिए, हमारा फोकस ही गलत जगह पर है। हम दुखी हो रहे हैं औरों की वजह से, खुश हो रहे हैं औरों की वजह से, समझ गए? तो आपका कंट्रोल किसके हाथ में? दुनिया के हाथ में, आपके खुद के हाथ में कहां है? ऐसा क्यों है? क्योंकि कभी किसी ने सोचा ही नहीं बैठ करके कि क्या ये हो सकता है कि मेरा जो खुद का जो ब्रेन है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है मेरे पास में कंप्यूटर के जैसा, इसका कंट्रोल मेरे हाथ में आ जाए, स्विच आ जाए। जब मूड किया ऑन कर दिया, जब मूड किया ऑफ कर दिया, देखो ऑफ है, कोई थॉट आ रहे हैं? थॉट आने बंद? कितने लोगों के माइंड में बंद हो गए थे थॉट आने? अभी स्विच है ना, जब थॉट नहीं होते हमारे ब्रेन में तो हमारी ब्रेन कैसी होती है? एक ऐसा कंप्यूटर जिसको अभी अभी फॉर्मेट किया है, और जब अनलिमिटेड थॉट्स होते हैं तो कैसी होती है हमारी जो ब्रेन है? हैंग हुई पड़ी होती है, बहुत सारी ऐप्स एक साथ में खोल दी है तो हैंग हुई पड़ी है ब्रेन, समझ ही नहीं आ रहा है क्या करें। अगर ऐसी आपकी ब्रेन हो जाए तो इसको बोलते हैं अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल होना, और कुछ नहीं, यही है माइंड कंट्रोल।